यार मैं आ गया हूँ गाड़ी में। ठीक है, सामान मैंने रख दिया, तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि मेरे से अब सब्र नहीं हो रहा। देखते हैं इसमें है क्या। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। दिस इज़ मी आमिर रियाज। और मैं यार रूम पे था, खाना खाने की तैयारी कर रहा था मैं, तो मेरे जो कफील है, स्पॉन्सर है मेरा सऊदी में, उसने कॉल की कि यार जल्दी से घर पे आ। तो यार मैं आ गया हूँ कफील के घर में। ये इसका घर है, ठीक है, और ये चेक करो, ये गाड़ी है इसकी, ये इसका घर है। तो मैं आया था तो अभी उसने जो है बाहर आके मुझे कुछ सामान दिया था। यार मैं आ गया हूँ गाड़ी में। ठीक है, सामान मैंने रख दिया, तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि मेरे से अब सब्र नहीं हो रहा। देखते हैं इसमें है क्या। ये है जनाब अली, जर्सी टाइप है, जर्सी है ये, और ये बड़े ज़बरदस्त लग रही है मेरे को। ये टी शर्ट लग रही है मेरे को, ये टी शर्ट है, और प्लेन में ये डिज़ाइन है बीच में। अच्छा, एक और है ये टी शर्ट, एक और है टी शर्ट ये, और ये भी सेम ही है वाइट कलर में। ये ज़बरदस्त, वेरी नाइस यार। ये लोगो है इसका, ठीक है, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। और लास्ट में है ये एक पेंट है, जीन्स की है, ये जीन्स की पेंट है एक। बस एक बॉक्स रह गया, और ये है जनाब बॉक्स, ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है शूज़ या कुछ सैंडल वगैरह होगी। टेप लगी हुई है, दिखाते हैं आपको ऐसे ना जरा चश्मों से। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि एक टी शर्ट जो है, मैं एक दोस्त है मेरा इंडियन, उसको मैं गिफ्ट कर दूँ, तो उसकी शॉप में चलते हैं, वहीं जाके देखते हैं, आपसे मिलाऊंगा इंडियन दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, वसीम क्या हाल चाल, ठीक ठाक हो? तो गाइस ये है मेरा दोस्त वसीम, इंडिया से। कैसे हो, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र यार, मैं जो है ना आपके लिए आज गिफ्ट लेके आया हूँ। वसीम भाई ये टी शर्ट आपके लिए आया हूँ, चेक करो। हाँ बिल्कुल, कैसी लगी? यार एक्चुअली मैं कफील गया हुआ था दुबई, तो वो लेके आया मेरे लिए, एक दो थी, एक मैंने रख ली वाइट कलर की, और ये ब्लू आपके लिए लाया मैं। बहुत प्यारा गिफ्ट है। और सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। यार ये शॉप पे मैंने दोस्त की परफ्यूम, ए टू जेड परफ्यूम, अच्छा और सस्ता भी, महंगा भी, सब है इसी। तो ये है हमारे वसीम भाई। तो यार मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ और ये इंडिया से, ठीक है, यहाँ पर हम रहते हैं, रूम थोड़ा सा दूर है लेकिन
तकरीबन पूरा हफ्ता हम साथ में रहते हैं, खाना पीना ये तकरीबन साथ होता है, ठीक है। फ्राइडे को छुट्टी होती है, हम लोग जाते हैं घूमने फिरने आगे पीछे। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि यार हम लोग यहाँ पे इतने प्यार से रहते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया में कुछ लोग हैं वो यही समझते हैं कि यार हम उसके दुश्मन हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये पॉलिटिक्स का चक्कर है, बाकी लोग हम सब एक हैं, सेम सेम जैसे हैं, दिल से हमें कुछ भी जो है ना डिफरेंट नहीं है। यार मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये था कि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे हर जगह पे लोग हैं, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पर सऊदी, हर जगह पे ऐसे हैं। और यहाँ के लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें काम जो हम चाहते हैं वो काम हमें सही से मिले। हम लोग उनका काम सही से टाइम से करते हैं, वो कभी भी नाराज़ नहीं होते, कभी भी हमसे कोई ऐसी बात नहीं करते, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं सबको कि यार यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, बदतमीज़ी करते हैं, मारते हैं, पैसे नहीं देते। हाँ, कुछ लोग हैं बुरे, लेकिन अच्छे भी बहुत हैं। मेरा स्पॉन्सर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मैं तकरीबन 4 साल से यह काम कर रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान जब बोलो पाकिस्तान भेज देता मुझे छुट्टी, कोई टेंशन नहीं है। तो सैलरी टाइम से देता है, कुछ लोग हैं जो नहीं टाइम से देते, लेकिन ज़्यादातर दे रहे हैं टाइम से। अगर काम आप अच्छा कर रहे हो उनके मुताबिक तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि ये वीडियो इसलिए बनाई मैंने, जो मुझे गिफ्ट मिला अमेरिका फील की तरफ से, वो मैं आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा था कि आप लोगों को थोड़ी तसल्ली हो जाए, बाकी लोग अच्छे भी हैं। क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से जितनी बार भी आया हूँ कुछ ना कुछ इनके लिए लेके आया हूँ, और ये भी देते रहते हैं, सैलरी भी बढ़ाते हैं, कोई मसला नहीं है। जो जो बोलो वो बात मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है यहाँ पे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।